हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो जिला जालौन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 6 विषय गणित, अध्याय 6 पूर्णांक प्रकार 6.1 के सवाल नंबर 6 से हल कराऊंगा आज। विद्यार्थियों, फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वीडियोस के बारे में आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, ऐसे 5 तक हमने कल तक के वीडियो में हल करवा दिए थे। अब देखो, सवाल नंबर 6 से हम शुरुआत करेंगे। देखो सवाल नंबर 6 क्या लिखा है, कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। बच्चों, हमने आपको बता रखा है कि संख्या रेखा में ये शून्य बीच में होता है, उधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या। अर्थात जैसे जैसे हम दाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर बड़ी संख्या होती है, बाईं ओर छोटी संख्या होती है, राइट। अब देखो, 2 और 9 है हमारे पास में, 2 और 9 ये 2 संख्या है, इन दोनों में कौन सी संख्या दाईं ओर होगी, तो यहां बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, इसका आंसर रहेगा 9। ठीक है, ये 9 इस 2 के दाईं ओर स्थित होगी। अब देखो, ये दोनों संख्या बच्चों क्या है, माइनस की है, ठीक है। तो माइनस में अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे इधर आते हैं तो माइनस की संख्या का ऋणात्मक मान बढ़ता जाता है, अर्थात संख्या का मान तो बढ़ता जाता है लेकिन वास्तव संख्या छोटी होती जाती है। अब देखो, यहां 3 है, यहां 8 है, 3 और 8 में छोटा संख्या का मान कौन सा है, 3। संख्या का मान छोटा कौन सा, 3 है। तो संख्या का मान 3 तो छोटा है लेकिन दोनों संख्या माइनस की 3 है, इसलिए -3 इस -8 से बड़ा है, तो -8 के दाईं ओर कौन सी होगी, -3 होगी। देखो ये रही, ये -8, ये -3, तो -8 इधर बाईं तरफ है, -3 दाईं तरफ है, तो इसका आंसर आएगा -3। अब यहां देखो बच्चों, ए संख्या ऋणात्मक है, ए संख्या शून्य है, तो शून्य हमेशा ऋणात्मक संख्या के दाईं ओर होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। शून्य -1 के दाईं ओर होती है। अब देखो, यहां ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो धनात्मक संख्या हमेशा दाईं ओर होती है ऋणात्मक के, तो इसका आंसर आएगा 10। तो -11 के 10 दाईं ओर होगी, -1 के 0 दाईं ओर होगी, -8 के -3 दाईं ओर होगी, और 2 के दाईं ओर कौन सी, 9। और यहां देखो, ये ऋणात्मक है धनात्मक है, तो आंसर आएगा 6, क्योंकि 6 धनात्मक है दाईं ओर होती है। और यहां देखिए, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक बाईं ओर होती है और धनात्मक दाईं ओर होती है। बच्चों, ये आंसर आ गए, राइट। अब देखो सवाल नंबर 7, अच्छी तरह समझना आप। पूर्णांकों के बीच के पूर्णांक बढ़ते क्रम में लिखिए, इन दोनों में से देखो -7 ये छोटा है, राइट, और ये 0 बड़ा है। अब इनके बीच के अपन को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना सारे पूर्णांक। तो -7 है, यहां क्या आएगा, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस के 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये आंसर, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी प्रकार देखो, ये माइनस का 4 है और ये 4 प्लस का है, तो ये माइनस का 4 यहां और ये प्लस का 4 यहां। अब इनके बीच कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, देखो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये 4 आ गया, तो ये आंसर है इसके बीच में। माइनस का 8 और माइनस का 15, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, -15 है, और ये -8 बड़ी है। अब इनके बीच में देखो कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, -15 से बड़ा होता है, -14, फिर -13, -12, -11,
माइनस का 10, माइनस का 9 और ये माइनस का, तो ये हमारे इनके बीच में बढ़ते पूर्णांक आ गए। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, उन पूर्णांकों को भी हमको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। इन दोनों में छोटा कौन सा है, माइनस 30 और ये माइनस का 23। तो माइनस 30 और माइनस 23 के बीच में जो पूर्णांक आएंगे उनको हम लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में। तो माइनस 30 के बाद क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना, माइनस का 29, माइनस का 28, माइनस का 27, माइनस का 26, माइनस का 25, माइनस का 24, ये आ गया इसका आंसर, राइट। अब देखो बच्चों, माइनस 20 से बड़े 4 डालते पूर्णांक, तो माइनस 20 से बड़े क्या होंगे, माइनस का 19, माइनस का 18, माइनस का 17, माइनस के 16। माइनस 10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए, छोटे वाले से बड़े संख्या लिखो, तो देखो ये माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13 और माइनस का 14। तो माइनस 10 से छोटा कौन सा होगा, माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, माइनस 14, ये सभी क्या होंगे, छोटे पूर्णांक होंगे। अब देखो नौवां, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। बच्चों ध्यान देना, हमको इन कथनों की जांच करनी है ए बी सी डी की। ये 4 कथन है, इन चारों कथन में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो बच्चों देखिए पहले इसमें क्या लिखा है, ए संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। देखो बच्चों -8 ये रहा और माइनस का 10 ये रहा, तो -10 तो कहां है, बाईं ओर, और -8 कहां है, दाईं ओर। अब जांच कीजिए इसे क्या लिखा है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो -8 और -10 ये रहा, ये -8 ये -10, तो -8 कहां है, इस -10 के दाईं ओर स्थित है। तो देखो इस -10 के इधर है दाईं ओर, तो ये कथन हमारा सत्य है, राइट। अब देखो माइनस का 100 -50 के दाईं ओर स्थित है, बड़ा ये संख्या का मान कौन सा है, 100 बड़ा है 50 छोटा है, दोनों ऋणात्मक है, इसलिए ये संख्या का जो बड़ा वाला मान है ये तो छोटी संख्या है, और संख्या का मान जो छोटा है ये बड़ी संख्या है। तो छोटी इधर बाईं ओर होती है, बड़ी दाईं ओर होती है। क्या लिखा है, माइनस का 100 -50 के दाईं ओर, तो -50 के उधर तो छोटा संख्या का मान आएगा, माइनस उधर इधर आएगा बाईं ओर, तो ये हमारा कथन क्या है, असत्य, ठीक है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, नहीं बच्चों -1 से छोटा -2, फिर -2 से -3, ये सब छोटी संख्या है यहां पे, तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य। राइट, अब देखो ये -26 -25 से बड़ा है, देखो -26 तो इधर आएगा, -25 उधर जाएगा, इसका मतलब -26 क्या है, छोटा हो गया, जबकि लिखा हुआ क्या है कि -26 -25 से बड़ा है, यानी ये कथन भी हमारा क्या है, असत्य है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसके बाद भी हम सवाल नंबर हल करेंगे बच्चों, दसवां। यहां पे देखो ये एबीसीडी मैंने 9 के सिखा दिए, ये हमारा कथन सत्य, ये कथन हमारा असत्य, ये कथन भी असत्य और ये कथन भी हमारा असत्य। क्यों है, क्योंकि हमें क्या लिखा है, -26 -25 से बड़ा है, ये कथन तो असत्य है। क्यों, क्योंकि -26 -25 के बाईं ओर होता है, इधर -26 होता है बाईं ओर और -25 दाईं ओर होता है, दाहिनी तरफ की संख्या बड़ी होती है और बाईं तरफ की संख्या छोटी होती है, तो -26 तो -25 से छोटा हो गया, जबकि यहां पे लिखा है -26 -25 से बड़ा है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया बच्चों, असत्य है। अब देखो उसके बाद सवाल नंबर 10, संख्या रेखा खींचकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये हमने संख्या रेखा खींच दी, -2 के दाईं ओर 4 कदम चलने पर, ये -2 ये रहा, ठीक है,
इससे चार कदम चलने पर किधर दाई ओर उधर चलेंगे हम, किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो देखो माइनस का दो हमारे पास ये ना, अब कितने कदम चलेंगे? चार। यहां से चार कदम उधर चलेंगे, एक दो तीन, ये चार कदम चल दिए तो उत्तर आ जाएगा इसका दो। क्या आ जाएगा इसका उत्तर? दो आ जाएगा, हम दो पर पहुंचेंगे। एक के बाईं ओर पांच कदम चलेंगे तो किस संख्या पर पहुंचेंगे? ये हमारा एक है, अब इसके पांच कदम बाईं ओर आएंगे, यहां से देखो यहां से एक दो तीन चार पांच, तो कौन सी संख्या आ जाएगी बच्चों? ये माइनस का चार आ जाएगा। अब माइनस आठ से माइनस तेरह तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाएंगे, किस दिशा में चलना चाहिए? तो माइनस आठ तो ये रहा, अब यहां से चलना माइनस तेरह, तो माइनस तेरह पर पहुंचने के लिए बाईं तरफ आएंगे या दाईं तरफ जाएंगे? हाँ, माइनस आठ से माइनस तेरह पर पहुंचने के लिए हम किधर आएंगे? बाईं ओर। बिल्कुल सही जवाब है, इधर आएंगे हम, बाईं दिशा में चलेंगे। अब देखो माइनस छह से माइनस एक पर चलेंगे, ये माइनस का छह है, यहां से माइनस एक पर पहुंच रहे हैं तो माइनस का एक है, तो माइनस छह से माइनस एक पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाएंगे? दाई दिशा में जाएंगे हम। किधर जाएंगे बच्चों? दाई दिशा में। ठीक है, तो आज बताएंगे आपको ये सारे सवाल अच्छी तरह समझ आएंगे बच्चों, बाकी आगे के सवाल मैं आपको कल नए वीडियो में बताऊंगा। आज आप इन सवालों को जो बता रखे मैंने आज, इनको अपनी नोटबुक में उतारना, इनको आप लर्न करना और नियमित रूप से आप इन वीडियोस को देखा करें। बाकी जो कल छह पॉइंट दो प्रश्न लिए मैं कल नए वीडियो में शुरुआत कराऊंगा बच्चों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।